दान जीवन दान वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन कोटा मंडल शाखा शामगढ़ भीवन भारत विकास परिषद शामगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में शामगढ़ में विशाल रक्तदान शिविर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि हेतु मंदसौर जिले के शामगढ़ में मंगलवार को मजदूर दिवस के दिन रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। सर्वप्रथम भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद जी के तस्वीर पर माल्यार्पण करके रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों एवं विकास परिषद के सदस्यों ने रक्तदान शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। रक्तदान शिविर में युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 90 यूनिट रक्त दान किया गया। इस अवसर पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। सबसे विशेष बात, शिविर में शामगढ़ नगर की महिला श्रीमती कला जी जी राठौर ने 20वीं बार रक्तदान किया। इसके साथ मधु राकेश धनोतिया ने 6ठी बार रक्तदान किया। महिलाओं में श्रीमती सुनीता जी, शिवानी जी अरोड़ा, हिमलता जी सोलंकी ने और भारत विकास परिषद के सदस्य महेश जी मंदलिया, धीरज जी डबकरा ने रक्तदान किया। कार्यक्रम के पश्चात रक्तदान शिविर प्रभारी उमेश जी यादव और सचिव दिलीप जी ने सभी रक्तदाताओं को धन्यवाद दिया और ब्रांच अध्यक्ष श्रीमान कोमल सिंह जी और भारत विकास परिषद के अध्यक्ष महेश जी सेठिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। शामगढ़ आज 1 मई मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में शामगढ़ में रेल संस्थान शामगढ़ और भारत विकास परिषद के माध्यम से ये रक्तदान शिविर शामगढ़ में लगाया है, जिसमें रेल कर्मचारी तथा मार्केट के बाहर के जो लोग हैं उन्होंने अपना अपना सहयोग दिया। और पिछले विगत 10 सालों से ये रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन इस रक्तदान शिविर का आयोजन हर माह की 1 तारीख को मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में करती है और इसमें हमारे को जो सहयोग दिया है भारत विकास परिषद ने, हम इसका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ये पुण्य का काम है, धार्मिक काम है और मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हर बार बढ़ चढ़कर इस रक्तदान में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।